Okay, so we are going to show you the first picture on your screen and you have to guess the word. Yeah? Okay, here it comes. So there is a boy, okay, who is doing something very fine on some object. He is doing something very fine on some objects. What is that? What is the word that comes to your mind? Bahut maheen kaam kar raha hai wo. Bahut hi bariki ke saath. Yeah, what is the word? Very good word. What is the word? Dexterous. Okay, so that means this boy, he is quite dexterous. The word that comes to your mind is? Dexterous. So it may, the word that we are talking about may not be dexterous, but it is very close cousin of dexterous. We are talking about adroit. So this has come from a Latin root. Okay. And you can break the word into two. And you can say this a plus droit. Adroit means daksh. It is an adjective. And it means daksh, nipun. So agar koi adroit hai, to yani wo kya hai? Nipun hai. Apne kaam mein mahir. So agar koi apne kaam mein mahir hai, to aap usko kya kahenge? Adroit. Okay, so first of all, the first thing you will do, you will get to the root, and then the second thing you will do is, you will look at the example. Okay, and like you can always say, ki, with great adroit, yeah, with adroit, the chef flipped the omelette in the air. Now, what we have talked about the important thing, what is it? Memory hook. Now, you have to play with it a little bit. You have to make something strange like a sentence that will stick in your mind. ओके तो आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए जो आपके दिमाग में लाइक मैंने जो सेंटेंस बनाया वो ये है कि ही इज क्वाइट एड्रॉइट इन एंड्रॉइड. आपको एड्रॉइड याद नहीं रहेगा, क्या याद रहेगा? एंड्रॉइड. तो जब मैं मेमोरी हुक करूंगा, इसका निमोनिक बनाऊंगा, तो मैं निमोनिक कुछ अजीब सा बनाऊंगा. ये अजीब होना चाहिए, ये सिंपल नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम्पल नहीं है. इट्स नॉट एन एग्जाम्पल. ये वो चीज है कि जब जब आप एंड्रॉइड की बात करोगे तो क्या याद आना चाहिए? एंड्रॉइड याद आना चाहिए. डिड यू गेट द पॉइंट? सो एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड. सो माय मेमोरी हुक इज, माय निमोनिक फॉर एड्रॉइड इज, ही इज क्वाइट एड्रॉइड इन एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी. ओके, एंड लेट्स लुक एट द फैमिली ऑफ द वर्ड्स. सो वी हैव एड्रॉइड विच इज एन एडजेक्टिव, वी हैव एड्रॉइटली विच इज एन एडवर्ब, एंड देन एड्रॉइटनेस. ओके, आपको मालूम होगा एनी डबल एस वाले सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन. क्या होते हैं वो? नाउन. सो वी हैव द कंप्लीट लुक एट द वर्ड. इन्होंने क्या वर्ड बोला? डेक्स्ट्रस. तो जैसे ही डेक्स्ट्रस आया तो अपने आप एड्रॉइट आना चाहिए. जैसे ही एड्रॉइट आया अपने आप क्या आना चाहिए? जैसे ही डेक्स्ट्रस आया अपने आप क्या आना चाहिए? स्किलफुल. क्या आना चाहिए? When you look at the word, say suppose I say adroit. So the first thing that should come to your mind is skillful. इसमें एक चीज ध्यान रखना, skillful की दो spelling होती हैं, S K I L and double L. लेकिन F U में कभी double L नहीं लगाइएगा. And this is the mistake. This is also alarm bell. ये है alarm bell. तो आपको skillful देखते ही आपकी alarm bell बजनी चाहिए कि F U double L जब अलग से आएगा इंग्लिश में तो डबल लगता है, लेकिन जब वो किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है सफिक्स के तौर पर तो उसका एल क्या हो जाएगा? सो स्किलफुल. जरा और कोई वर्ड बोलिए जिसमें एफ यू एल आए. चीयरफुल. क्या आएगा? चीयरफुल. सो स्किलफुल, चीयरफुल, हार्मफुल. ओके, इसमें एक और चीज हमें पता चल रही है, ये सारे एफ यू एल वाले वर्ड्स क्या बन रहे हैं? एडजेक्टिव्स. ये बड़ी कमाल की बात है. एंड आई से कि जब आप उसकी फैमिली को देखेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा. अरे ये तो पहचान गया, इसकी शक्ल तो मिल रही है. कहते नहीं, अरे यार तू रविंद्र का भाई है क्या? आपको कैसे पता चला? शक्ल मिल रही है ना. तो जैसे ही आपको शक्ल मिलता हुआ एफ यू एल नजर आएगा तो आप क्या कहोगे? एडजेक्टिव का भाई, यानी एडजेक्टिव. इट कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली. ओके, सो यू हैव द फर्स्ट वर्ड एड्रॉइट, देन यू हैव, एंड देन यू हैव, व्हाट इज द वर्ड? एडैप्ट. What is the word? Adapt. ये एक और बड़ा खतरनाक वर्ड है.
ओके, इसमें भी आपकी अलार्म बेल बजनी चाहिए, क्योंकि अडैप्ट इससे मिलते हुए दो और वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या क्या हैं? तो इनको मैं अलग लिख रहा हूं. सो वी हैव अडैप्ट, ओके, अलार्म बेल्स, अलार्म बेल्स याद है? तो जैसे ही आप अडैप्ट करोगे, खाली अडैप्ट नहीं पढ़ोगे, कहीं पर भी आया दो वर्ड्स और आएंगे आपके दिमाग में. तो पहला क्या आएगा? अडैप्ट. दूसरा क्या आएगा? अडैप्ट. और तीसरा क्या आएगा? अडॉप्ट. तो आप इनको कहीं पर अलग से जब आप नोट्स बनाते हैं तो इसका ध्यान रखिए, वर्ड्स को आइसोलेशन में मत पढ़िए. और न सिर्फ ये, जब आप करेंगे अडैप्ट तो आपको इसके आगे और क्या याद आना चाहिए? या और ये पढ़ने का, आप लोगों के लिए पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि मुझे खाली अडैप्ट याद ना आए, मुझे अडैप्ट के साथ क्या याद आए? इन. क्योंकि वो अपने साथ अगर कोई प्रपोजिशन लेता है तो वो लेता है इन. जब मुझे अडैप्ट ADAPT याद आए तो मुझे क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? ही अडैप्टेड. अडैप्ट मैंने होता है ढाल लेना, अडैप्ट मैंने होता है निपुण, अडैप्ट मैंने होता है अपने आप को एक्लेमेटाइज. तो अगर कहीं सिनोनिम में आया अडैप्ट तो वो पक्का इसके भी सिनोनिम देगा, इसके भी देगा. लेकिन आपने सही वाले को देखना है, ADAPT. अडैप्ट मैंने होता है ढालना, एक्लेमेटाइज, ओके. और उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा? और एडॉप्ट के साथ नहीं लगता. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ये अलार्म बेल्स हैं आपकी, ओके. ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे देन यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल विद द वर्ड्स. ओके, सो वी हैव, लेट्स कम बैक, वी हैव एड्रॉइट, वी हैव स्किलफुल, वी हैव अडैप्ट, एंड देन या सो यू हैव मास्टरली. ये एक और अलार्म बेल है. इसमें अलार्म बेल क्या है? तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें अलार्म बेल क्या है? इसमें खतरे की घंटी क्या है जिससे आपको बचना चाहिए? ly. ly से बनने वाले सभी वर्ब, सभी वर्ड्स एडवर्ब नहीं होते. ये एक एग्जांपल है, ये एडजेक्टिव है, इट इज नॉट एन एडवर्ब. ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर. ly है और एडजेक्टिव है. मास्टरली, सो यू विल नॉट से मास्टर, यू विल से masterly. Oh, that was a masterly stroke. क्या कमाल का शोर लगाया. Okay. And the other word that can come to your mind is what can be there? Virtuoso. What can be the word? Virtuoso. इसमें भी एक अलार्म बेल है. इसकी अलार्म बेल है virtuous. दोनों अलग अलग words हैं. Virtuoso और virtuous दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. इनमें कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल. Virtuoso मैंने क्या होता है? निपुण. Virtuoso is a virtuoso in piano. खास तौर से पहले म्यूजिक के लिए इस्तेमाल हुआ करता था virtuoso. ओके, और virtuous का क्या मतलब है? या एथिकल, मोरली अपराइट. तो जो चरित्रवान, मोरली अपराइट लोग होते हैं तो उनके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? Virtuous. लेकिन जो निपुण होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? Virtuoso, अलार्म बेल, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो बार बार आप उसको देखिए, वो आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं. ओके, हो या विद कंज्यूमेट स्किल यू कैन यूज अ वर्ड कंज्यूमेट. ओके, तो आप कंज्यूमेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स वेरी गुड. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और क्या हो सकता है? डेफ्ट. या डेफ्ट कैन बी अनदर वर्ड. ओके, deft in something, deft touch. जब कोई बैट्समैन होता है जो वीरेंद्र सहवाग के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ करता था कि जैसे ही कोई बाउंसर डालता था वो कुछ नहीं करता था, he would give it a deft touch and the ball will go either for a 6 or for a 4. कि उसने नई चीज निकाली, कैसे? अपने deft touch से. Did you get the point? So deft भी एक वर्ड हो सकता है. So you can have a whole range of words. तो आप जब आपके पास एक वर्ड आया, हमारे पास वर्ड क्या आया था? एड्रॉइट. लेकिन देन ट्रेन ऑफ वर्ड्स, और अभी ये खत्म नहीं हुई ट्रेन. यू कैन हैव सीरीज ऑफ वर्ड्स, यू कैन हैव एंटोनिम्स. व्हाई टू स्टॉप एट सिनोनिम्स? यू कैन हैव एंटोनिम्स आल्सो. नो, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड? नाइव. एंड इज अ नोविस, इज अ बिगिनर, इज अ टायरो. टायरो हैज टू स्पेलिंग्स. Green on, another word that comes is green on. No, सीखिया.
ये सभी एक तो दक्ष है और एक बिल्कुल नया नया सीखने वाला है, तो ही इज ग्रीन ऑन. नियोफाइट. ओके, मजे की बात है. नियो मींस न्यू, फाइट मींस प्लांटेड, न्यूली प्लांटेड. जो न्यूली प्लांटेड चीजें होती थी वो नियोफाइट कहलाते थे. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वर्ड आजकल इस्तेमाल नहीं होता नियोफाइट, तो मैं आपको बता दूं, कल प्रेसिडेंट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव ने कल नियोफाइट का इस्तेमाल किया. जब उनसे कहा गया अबाउट मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प, सो ही सेड सी मिस्टर ट्रम्प इज स्टिल अ नियोफाइट. उसने नियोफाइट का इस्तेमाल किया. ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट द वर्ड्स. ठीक है ना. सो दीज आर ऑल antonyms. You can have a range of antonyms. Is it okay? Yeah. Okay. So we were talking about it. One alarm bell that you should always be careful about is knife. Okay. Knife ki pronunciation mein dhyan rakhiyega. Isko bahut se log knave bula dete hain. Ye knife hai. Kya hai? Knife. To agar mujhe kehna hai knife ka memory hook, to jaldi se bana ke dikhaiye. Knife. नाई का सेंटेंस बनाइए. माय नाई इज नाइव. क्या बनेगा? माय नाई इज. और ये ऐसा है कि आप भूलेंगे नहीं. अब आप जिंदगी में कभी इसको नेव नहीं बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? क्योंकि आपको नाइव नहीं याद रहेगा, नाई याद रहेगा. और क्यों याद रहेगा? क्यों याद रहेगा? क्योंकि आपका दिमाग उल्टी बातें, अजीब चीजें ज्यादा याद रखता है. होता है कि नहीं? ये okay, so this is this. Now if you look at the word dexterous or whatever you call it, we said adroit, we talked about adroit technology, we had a wide look at the word, we had a bird's eye view. Okay, and then we went into it. Aur humne isko 360 degree nahi ghumaya. 365 degree kiske? Picture. I showed you the picture na, and that picture should play an important role. Wo trigger tha. वो एक ट्रिगर था. क्या था वो? और अब जब भी ऐसा होगा, ये सारे के सारे वर्ड्स, कम से कम 20 वर्ड्स, हमने 15 से 20 वर्ड आपको बताएं, वो आपके दिमाग में आने चाहिए. एक वर्ड अगर आपको 10 से 15 वर्ड नहीं देता तो वर्ड का पढ़ना बेकार है. इज़न्ट इट सो? वर्ड को अकेले याद मत रखिए, वर्ड्स क्लस्टर्स में याद कीजिए. क्लस्टर्स में उसके क्लस्टर बनाइए, अपने दिमाग में एक फाइल बनाइए वर्ड की. The word that comes to your mind is dexterous. So it may, the word that we are talking about may not be dexterous, but it is very close cousin of dexterous. We are talking about adroit. So this has come from a Latin root. Okay, and you can break the word into two, and you can say this a plus droit. Adroit means daksh. Okay, so we are going to show you the first picture on your screen, and you have to guess the word. Yeah? Okay, here it comes. So there's a boy, okay, who is doing something very fine on some object. It is an adjective and it means daksh, nipun. To agar koi adroit hai, to yani wo kya hai? Nipun hai. Apne kaam mein mahir. To agar koi apne kaam mein mahir hai, to aap usko kya kahenge? Adroit. Okay, so first of all, the first thing you will do, you will get to the root, and then the second thing you will do is you will look at the example. Okay, and like you can always say ki, with great adroit, yeah, with adroit the chef flipped the omelette in the air. Ab aati hai jo humne important cheez aapse baat ki thi, wo kya hai? Memory hook. Ab aapne isme iske sath thoda sa khel karna hai. आपने कुछ अजीब ऐसा सेंटेंस बनाना है जो आपके दिमाग में चिपक जाए. ओके, तो आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए जो आपके इज डूइंग समथिंग वेरी फाइन ऑन सम ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड? बहुत महीन काम कर रहा है वो, बहुत बहुत ही बारीकी के साथ. या व्हाट इज द वर्ड? वेरी गुड वर्ड. व्हाट इज द वर्ड? डेक्स्ट्रस. Okay, so that means this boy, he is quite dexterous.